मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 9 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि किन बच्चों की बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बाण सदा भरे रहते हैं, और उत्तर में बाबा कहते, जो रोज पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तरकस में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा कर सकते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते और पढ़ाते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। मुरली का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम मना अहम आत्मा, अहम आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। यहाँ यह ऑर्गन्स मिलता है तो टॉकी बनती हूँ। इनका मना शरीर का आधार ले, हम आत्मा कर्म करती हैं। कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करेंगे ना। आत्मा कहती है, ये कौन है, कहाँ से आया है। उनको हम याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस बाप की याद में कभी बैठे ही नहीं हैं। और सत्संग में तो सामने सन्यासी विद्वान आदि बैठे होते हैं, वह वेद उपनिषद रामायण आदि ही सुनाएंगे। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते हैं, गुरु को देखने लग जाते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो कि परमपिता परमात्मा आते हैं, है वह भी आत्मा, परंतु वह सुप्रीम आत्मा है जो आकर इनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो कि परमपिता परमात्मा इनमें बैठ हमको सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों तरफ व देह तरफ नहीं जाती। तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फर्स्ट, आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी है, हम आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ देते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में नहीं है। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत बेअंत कहते आए, रचता और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते। कहा जाता है, फादर शोज सन, बाप अपना परिचय बच्चों को देंगे, बच्चे बाप का परिचय औरों को देंगे। मनुष्य तो उस बाप को न जानने के कारण कह देते सर्वव्यापी है। अब तुम बच्चों के दिल में बाप की याद आई है, ऐसे नहीं कि तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है, नहीं, बाप की पहचान मिली है। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, नहीं, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप तो सर्वशक्तिमान है ना, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहा जाता है, जिससे पाप भस्म होते हैं। और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते। यह खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत कौड़ी जैसा बनता है। भारत में हीरे जवाहरों के महल बनते हैं। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मलकियत थी। भारत जैसा सॉल्वेंट और कोई धर्म वाले बन नहीं सकते। भारतवासी महान सुखी थे। तुम बच्चों को अब याद आई है, 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी कितने साहूकार थे। अब बिल्कुल इनसॉल्वेंट है, गवर्नमेंट प्रजा से कर्जा लेती रहती है। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे।
यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने, एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष, तो ये सारी महिमा उस एक की ही है। उनको कभी काल नहीं खाता, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं, मूत पलिती कपड़ धोते हैं। तुम आत्माओं को योग और ज्ञान से सफेद गोरा बनाते हैं। तुमको लक्ष्य मिलता है कि शिव बाबा को याद करो, इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो, आत्मा और शरीर दोनों सुंदर बन जाएंगे। असल में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। सत्युग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर हैं और कलयुग में श्याम बनते हो, सुंदर से श्याम फिर श्याम से सुंदर बनते हो। तुम जानते हो ये कोई गुरु गोसाई नहीं है, यह तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय बाबा है। कहते हैं जब धर्म ग्लानी हो जाती है, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ये भी ड्रामा का खेल है। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट बनते हैं। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। जब भक्ति पूरी हो तब तो ज्ञान सागर आए। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय सब कुंभकर्ण वाली अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को जानते ही नहीं। बाप आकर समझाते हैं अब अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती है फिर पावन बनती है। सत्युग में पावन थे फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं, यह भी पहले नहीं जानते थे। अब जानते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सब बातों का अनुभवी है, जरूर अनुभवी तन चाहिए ना। गुरु आदि किए हुए हैं, श्री कृष्ण को थोड़े गुरु गुसाई करने पड़ते। यह भूल भुलैया का खेल है, अपनी कल्पनाएं बैच बनाई हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ऊंच हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो, वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी। रूहों को ही बाप पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा सुनती है। आत्मा कहती है मैं बैरिस्टर बना हूँ, और अभी आत्मा कहती है हम सुनर से नारायण बन रहा हूँ। बाबा बनाते हैं, वह बेहद का बाबा सबका बाबा है। वह हमको राजयोग सिखलाते हैं, वह है निराकार ब्रह्मा। विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, वह तो देवताएं हैं, ब्रह्मा देवताएं नमः कहा जाता है ना। तो यह साकारी जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते हैं तब फिर इन्हें देवता कहेंगे। तो ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गुहे गुहे सुनाते हैं तो वह भी सुनना चाहिए। अगर कहते हैं फुर्सत नहीं, सुनेंगे नहीं, तो नए नए ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तरकस भी कैसे भरेंगे। जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा मम्मा भी पढ़कर औरों को पढ़ाते हैं ना, तो जो कांटों को कलियां और फूल बनाते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये तो बहुत सहज है, इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। अरे तब ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने किसी को पता ही नहीं है। बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है, इसने पूरी 84 जन्म लिए हैं, ये नहीं जानता है। मैं बताता हूँ, तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक थे, अभी वह पास्ट हो गया है, तो जैसे स्वप्न हो गया। जिसने जो एक्ट की वह पास्ट हो गई। तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम यह चक्र लगाते हो। हम सो हम, यह तुम्हारे से ही लगता है। हम सो शूद्र थे फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। कितनी सहज बात है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना, बाप को सर्वव्यापी कहना, ये तो बाप की ग्लानी है। अब बाप आए हैं, बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना शत्रु है, जिसने तुमको ऐसा पतित कौड़ी जैसा बनाया है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। माया बड़े तूफान लाती है,
बहुत हैरान करती है, इसमें डरना नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करो, बाप कहेंगे तुम पढ़कर अपने पर ही आपे कृपा करो। ऐसे नहीं कि हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे, बड़ी आयु वाले तो देवताएं ही होते हैं। तुम यहाँ स्कूल में बैठे हो, तुम कहेंगे हम ईश्वरी कॉलेज में जाते हैं, स्वर्ग का रचयिता जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। भगवान उवाच, तुमको अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। यह दुनिया का जो चक्र है उनको समझना है। इस स्वदर्शन चक्र को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे, फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। कामचिता से काले बन पड़ेंगे, ज्ञान चिता पर बैठने से तुम गोरा बनते हो। बच्चों को गोरा बनाना ये बाप का ही काम है, इसके लिए जरूर संगम पर ही आना पड़े। यह है सबसे उत्तम युग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाप ने इस शरीर का लोन लिया है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। यह ज्ञान चक्षु सिवाय उस एक ज्ञानेश्वर के और कोई खोल न सके। पावन आत्माएं जो भी आती हैं, वह फिर पतित बन पड़ती हैं। सतो रजो तमो में तो सबको आना ही है। इस समय सब पतित हैं और सब यहाँ ही है, वापिस कोई भी गए नहीं है। अब तुम बच्चे विश्व के मालिक बन रहे हो। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो निष्कामी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मुझे फल की कोई इच्छा नहीं। तो निष्कामी हुआ ना। बाबा ने समझाया है, यहाँ अपने को आत्मा समझ अशरीरी होकर बैठो। अभी हम वापस जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। यह शरीर छोड़ अशरीरी बनकर जाना है, शरीर पुराना हुआ है। अब फिर हम वापस घर जाते हैं, कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। बाबा तो सुख दुख नहीं देते हैं, वह है ही सदैव सुखदाता। बाबा ने समझाया है कि यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जिस चीज का साक्षात्कार किया है वह फिर इन आंखों से भी देखेंगे। जो दिव्य बुद्धि से देखा है, फिर प्रैक्टिकल में तुम जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी तुम भी श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने, गति सदगति करने, तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति दो बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप पे ही कृपा करनी है, बाप से कृपा मांगनी नहीं है, श्री श्री की श्रीमद पर चलते रहना है। और सेकंड पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन माया जीत जगत जीत बनना है। माया से डरना व घबराना नहीं है, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। बाबा ने आज वरदान दिया कि एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा करो। मनसा में शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ कामना के श्रेष्ठ बोल और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है, इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है।
स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।